जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में। कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है। तब बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले, आप प्रेम से सुन लो। जिस व्यक्ति का बुरा समय चल रहा हो, ना लक्ष्मी घर में आ रही हो, रोग बीमारी पड़े हुए हो, कोई तकलीफ ही तकलीफ आ रही हो, बहुत कष्ट महसूस हो रहा हो, परिवार में शांति रत्ती भर की ना हो, तो कितना सुंदर कहा, जो व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाए, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। महाराज काली तिल को वापस उठा कर ले आते हैं, उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। शरंभेश्वर महादेव, एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है शरंभेश्वर महादेव का, मदिरा पीने वालों के लिए मांसाहार व्यसन में, जुए में, पेशावृत्ति में, पर नारी में, गलत जगह पर जो डूबे रहते हैं उनके लिए, पहले की कथा में उसका वर्णन किया है बेलपत्री। शरंभेश्वर महादेव, एक बार सब बोलेंगे, कौन से महादेव? शरंभेश्वर महादेव। फिर जम के बोल लो एक बार, शरंभेश्वर महादेव। जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है, तो शरंभेश्वर महादेव का हमें शरणागति लेना चाहिए, शरंभेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी, ये शरंभेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पूजन करने जाए? कहीं नहीं जाना, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहीं जाओ, उसी देवालय में, उसी मंदिर में जाओ, शरंभेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे, अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धि सुधरना प्रारंभ हो जाएगी, ऐसा शरंभेश्वर महादेव का। कुछ स्थान हमारे यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर स्थान निश्चित किए गए हैं, जैसे कैंसर आदि के मरीज के लिए हम लोग पहले भी कहते हैं कि त्रिजुगी नारायण का जल बड़ा महत्व रखता है। जिसका शरीर या जिसको एक पत्र आया है कि किसी को मिर्गी का झटका आना चालू हो गया था, अब पत्र ढूंढेंगे तो समय थोड़ा लग जाएगा, जिसने लिखा है उसके स्मरण में होगा, जिसने भी लिखा होगा कि बीमारी के चलते चलते फिर मिर्गी आना चालू हो गई, जिसने भी लिखा है वो दोनों हाथ एक बार हिला देना, जिसके लिए भी लिखा हुआ वो इतना ध्यान नहीं आ रहा, तो उनको मिर्गी का झटका आना प्रारंभ हुआ। अब मिर्गी का झटका आना प्रारंभ हुआ, कई महीने निकल गए, मिर्गी के झटके बंद नहीं हुए, तब उन्होंने पत्र में लिखा है कि शरंभेश्वर महादेव का आपने जो वर्णन करा था 31 बेलपत्र वाला, गुरुजी हमने वो 31 बेलपत्र वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा, और उन्होंने पत्र में लिखा है कि मिर्गी के झटके भी बाबा की कृपा से ठीक हो गए हैं, अब कोई झटके उनको आ नहीं। शरंभेश्वर महादेव का जो वर्णन है, शरंभेश्वर महादेव का जो गुणगान है, ये कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण में भागवत के प्रहलाद चरित्र को लाकर रखा गया है केवल शरंभेश्वर महादेव के प्रागट्य के लिए, ऐसा शरंभेश्वर महादेव का गुण। एक बार फिर आप लोग भूल ना जाओ उसके लिए, एक बार फिर से बोल लो, कौन से महादेव? शरंभेश्वर महादेव। ये शरंभेश्वर महादेव जैसे कुंद कैश्वर महादेव,
कुंदकेश्वर महादेव का क्या काम है? माता पार्वती ने बिदल उत्पल को मारने के लिए जो कुंदुक फेंका था, वो कुंदुक भगवान शंकर के पांव में जाकर गिरा था, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था। जब हमारे यहां कोई दवाई नहीं लगती शरीर में, कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किडनी लीवर का रोग हो गया, या बीपी शुगर का रोग हो गया, शुगर लेवल में नहीं आ रही है, तो आप शंकर जी पे से जो बेलपत्र ला रहे हो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाओ। दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, सारी जांचें कराओ, डॉक्टर के अनुसार चलो, डॉक्टर जैसा बताए वैसा करो, पर उस दवाई को भी शिव जी से कहकर कि बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को भी हम कुंदकेश्वर महादेव का प्रसाद समझ कर पाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ होगा। कुंदकेश्वर महादेव रोग मुक्ति के लिए होते हैं, और श्रम्भेश्वर महादेव, बोलो बोलो जरा जम के, व्यसन की समाप्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।